examples of reproductive function in fishes and the amphibians first the contents reproductive function of fishes example is here is bony fishes and the amphibians first just the just students यहाँ जो हम basically देख रहे हैं कि reproductive function मतलब यह कि किस तरह से amphibian और fishes के अंदर reproduction होती है वो कौन कौन से इसके अंदर जो basic parameters हैं जिसको animals जहाँ वो follow करते हैं या कौन से बेसिक जो है वो रूल्स क्या लें या कुछ स्पेसिफिक क्रैक्टिक्स हैं जिसके ऊपर के तहत जो वो इनके अंदर डेवलपमेंट होती है बोनीफिश को अगर हम देखें दे ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स और बहुत सारे एग्स वो हैं जिसकी फ़र्टिलाइजेशन हो जाएगी तो इट मीनस बोनीफिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एंड लार्ज नंबर ऑफ़ दैम दे आर फर्टिलाइज लेकिन फ़र्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो आगे डेवेल्प नहीं हो पाते हैं उनकी आगे डिवेलपमेंट नहीं होती क्यों डिवेलपमेंट नहीं होती हैं क्योंकि उनके ऊपर फंगल अटैक हो जाता है उनके ऊपर बैक्टीरियल अटैक होता है तो फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो एग को या जो एम्बरी हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगी सिल्टेशन सिल्टेशन कहते हैं मट्टी का जाम जाना बहुत सारे एग्स जो होते हैं सिल्ट के नीचे आकर जो वो एम्बरी होते हैं फर्टिलाइज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इससे से प्रीडेशन हैं बहुत सारे एग्स या फर्टिलइज एग्स वो हैं जिनको आकर प्रीडेटर खा जाएंगे मुख्य किस्म के हैं हैंक्टिक इन्वायरमेंट में जो आकर के फिश के और एम्फीबियंस के एग्स को खा जाते हैं जैसा फिश के एग्स है वो तो जहाँ एक लार्ज इसका मतलब जो बहुत सारे एग्स की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है वो आगे एडल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि किसको एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर प्योटर खा जाएंगे कुछ वो हो होंगे जिसके इन्फेक्शन हो जाएगी कुछ वो हैं जो सैंड के नीचे सिल्ट के नीचे दब जाएंगे अगर हम ओवरऑल फिश कैक की, की बात करें तो उसके कि इतनी अमाउंट ऑफ़ योक है कि वो डिवेलपमेंट फिश की करवा सकता है फिश कैक के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ योक नहीं होती है लिटल अमाउंट ऑफ योग है लेकिन इतनी है कि उसकी क्या कर सके डेवलपमेंट प्रोसीड करवा सके तो स्मॉल अमाउंट ऑफ योग रिप्रेजेंट इन द फिश एक्ट बट द्मॉल अमाउंट इज इन फॉर शॉर्ट डिवेलपमेंट ऑफ द या क्विक डिवेल्पमेंट ऑफ द एम्बरी ऑफ द फिश अच्छा जैसे हमने कहा कि जो फिश के अंदर चूंकि अमाउंट ऑफ योग कम है उस कम योग की वजह से फिश के अंदर जो डिवेलपमेंट प्रोसेस बड़ा फास्ट है तो रैपिडली एम्बरी होता है क्या करेगा ग्रो करेगा और वो फिश के जा या उसका जो एम्ब्रियो है उसका फूड ख़त्म होने से पहले पहले वो एक छोटे से फिश लिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगी बल्कि एक फ़िश के जो एम्ब्रियो है वो एक छोटे से मिनिएचर में मिनिएचर का मतलब छोटी सी फिश में कन्वर्ट हो जाएगा वो बकायदा एक्टिवली फीड करेगा और उसके बाद एक्टिव फीडिंग के दौरान उसकी ग्रोथ थोड़ी क्विक होती है तो वो बहुत जल्दी अपनी मेचोरिटी को पहुँच जाता है तो इस तरह से जो है वो फिश के अंदर जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट फास्ट है तमाम अगर फिशेस को कंपेयर करें हम एम्फीबियन से बर्ड से और रेप्टाइल से या मेमल से तो फिशेस के एम्ब्रियो बड़ी जल्दी क्विकली डेवलपमेंट का प्रोसेस प्रोड्यूस कंटिन्यू करता है और बहुत जल्दी क्या करता है क्या कि आगे हैच आउट होने के बाद अपने साइज़ को इंक्रीज कर देगा या उसका साइज़ बड़ा होता है इसमें फ़िश आम तौर पर अपने एग्स की केयर नहीं करती है। लेकिन हैं लेकिन चांद एक फिशज़ हैं जिसमें बाकायदा जो है वो यंग वन की या एग्स जो डेवलपिंग एम्बरी उसकी केयर की जाती है जैसे सी हार्स और पाइप फिश जो हैं ये दो ऐसी फिशिज की टाइप हैं जिनमें आमतौर पर वेंट्रल पाउच होता है तो आमतौर पर जो डेवलपिंग एम्प्रिय उसको पाउच में रखकर जो है उसको प्रोटेक्शन की जाती है एम्फीबियंस को अगर हम देखते हैं कि मोस्टली एम्फीबियंस दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे जो फ्रॉग्स वगैरह के अंदर क्या है कि ज्यादातर केसेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो है वो बाहर ही जो डेवलपमेंट है वो भी एक्सटर्नल होगी चांदे एक एम्फीबियंस वो है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट भी इंटरनल जैसे सेलियंस वगैरह के अंदर जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जो एग्स ले किए जाते हैं आमतौर तो पर जो उसकी प्रोटेक्शन है वो एरिएशन के फार्म की जो फ्रॉग वगैरह जो होते हैं जो फीमेल फ्रॉग है वो क्या करेगी एग्स के अंदर वो एग्स जो बीच में प्रॉपर जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे ठीक है जो यानी इनके कह सकते हैं कि जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकती एग्स जो है तो डेथ हो गई जिनकी या जिनको कोई इन्फेक्शन हो गई है तो फीमेल आमतौर पर उन एग्स को क्या करेगी वहाँ से निकाल देगी तो जो डर्टी एग्स हैं उसको आमतौर पर बाकी एग्स से निकाल दिया जाता है ताकि बाकी एग्स जो है इन्फेक्टेड ना हो इस तरह से जो एग्स की प्रॉपर एरिएशन की जाती है उसको ऑक्सीजन या एयर जो है उसकी प्रॉपर सप्लाई की जाती है जैसे जा अभी हमारे एग्जाम्पल जैसे पाइपा पाइपा फीमेल्स जो होती हैं ये जो आमतौर तो पर दे कैरी देयर एग्स ऑन देयर बैक ये बेसिकली यानी फ्रॉग ये कह सकते हैं कि इसमें एम्फीबियंस हैं जिसमें आमतौर तो पर ये जो अपने एग्स है एग्जी बैक पर कैरी करेगी उसको जो है वो लेके चलेगी इस तरह से अगर हम बात करें डेवलपमेंटल प्रोसेस की तो जो फ्रॉग्स हैं उनके अंदर अमाउंट ऑफ योग बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसलिए और डिवेलपमेंट का प्रोसेस भी थोड़ा स्लो है फिशज़ में योग की अमाउंट कम है लेकिन डिवेलपमेंट प्रोसेस फास्ट है एम्फीबियज में योग की अमाउंट भी कम है और डिवेलपमेंट प्रोसेस भी स्लो है रिजल्ट यह है कि एम्फीबियन का जो एग है वो डिवेलपमेंट का प्रोसेस कम्प्लीट नहीं करवा सकेगा तो इसीलिए एम्फीबियंस में फिर क्या होता है कि जब वो डिवेलपमेंट हो रही होती है तो जैसे ही फूड ख़त्म होता है तो वो एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लार्वी के अंदर इससे से ये लार्वी फिर आगे क्या करेगा फीड करेगा और बाकी डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट करेगा यानी फ्रॉग में हम देते हैं फ्रॉग में एक टैडपोल बनता है जो लार्वल स्टेज है उसकी टैडपोल इसलिए बनता है या लार्वी इसलिए बनता है क्योंकि एग का फूड ख़त्म हो चुका है और टैडपोल जो है वो साथ साथ फूड भी लेगा साथ अपने डिवेलपमेंटल प्रोसेस को भी कैरी ऑन करेगा और डिवेलपमेंट के दौरान जो चेंजेस के अंदर होती हैं उसको हम क्या बोलते थे मेटामॉरफोसिस है फ्रॉक कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देखते हैं है। रिओब्रेट्रस जो है वो बेसिकली ये स्पीशीज़ है जिसमें जो फीमेल है वो अपने एग्स को एग को अपने स्टोमिक में रखती है यानी कि जो एग्स को अपने बॉडी में कैरी करती है अपने साथ कैरी करती है और जो यंग बर्नस हैं उनको अपने स्टोमिक में रखती है जब वो मेच्योर होते हैं यानी हैच आउट होने के बाद लार थोड़ा सा मेच्योर होता है तो वो माउथ से बाहर आ जाता है अब ये फ्रॉक की स्पीशीज़ जो आप तकरीबन तो एक्सटिंक्ट है इसलिए इसके ऊपर फर्दर रिसर्च नहीं है लेकिन ये हम कह सकते हैं कि फ्रॉग्स में कुछ ऐसे फ्रॉग्स भी हैं विच कैरी देयर जो अपने यंग बर्न्स को अपने बॉडी के ऊपर रखते हैं या फिर अपने जो है ओरल कैप्टी के अंदर उसकी केयर करते हैं